बल्कि कहानी ये है कि मटन पे ये जो रेसिपी है, इस रेसिपी में जो आप मीट यूज करोगे ना भाई, मटन का पीस वो आप बट डालो जिसमें भाई मटन के चकलो निकलने वाला। अरे अबे ये भी ईएमआई में आ रहा है, कुछ और खाली है। पहले हम पीस कर लेते हैं यार, जो मुझसे भाई बहुत नाराज है जी, फुल्का नहीं खाता, गालियां दे दे के बुरी आदत फेर दी मेरी। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो बात कर लीजिए आज की वीडियो की भाई, वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहे हैं भाई भूंजा हुआ मटन भाई, एकदम रोड साइड स्टाइल वाला। चलिए स्टार्ट कर दीजिए बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये देख रहे क्या भाई जी, बकरे का मीट भाई कितने, ओनली 1 kg एंड 100 ग्राम 150 ग्राम होगा, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है जी, अब करना की है। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से भाई, बर्तन लगा दिया जी। ठीक है जी, इसमें डालते हैं जी भाई मस्टर्ड का तेल भाई, कितना भाई 16-18 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं है। तो जी इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट कर लियो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है, तो डाल दो जिसमें प्याज, ओए ओए भाई पूरे का पूरा आधा किलो प्याज भाई 500 ग्राम। तो जी इसे पिंकिश पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश होने भाई भाई पका लीजिए। प्याज अपने हल्के हल्के पिंकिश पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश हो चुके हैं, जब करना आ गया। इसमें डालते हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट भाई, लहसुन भाई 3 टेबल स्पून, अदरक 2 टेबल स्पून एज यूजुअल। ठीक है जी, तो करो ये मिक्स मुके चले भाई, देख रहे हो क्या है भाई, हरी की मिर्चें हैं भाई, कितनी है भाई, करीब 30-35 है भाई, डालो सारी कर दो तो मिक्स मुक से। तो जी अब आप क्या करोगे, आप इसे 5-6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भूनते रहोगे। तो भाई 5-6 मिनट हो गए जिसको पकते हुए। ठीक है जी, अब करना क्या है भाई, डालो जिसमें भाई मटन भाई सारे का सारा। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक से चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स हो गया जी, करना क्या है, इसमें डालते जी नमक भाई स्वाद के अनुसार। तो जी फिर कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जब करना कि आपने करना खास नहीं है, गैस का फ्लेम हाई रहेगा। ठीक है, से हाई रहने दो आप, इस पे ढक्कन रखो जी 10 मिनट के लिए भाई, बीच बीच में करछी चलाते भी रहना। तो दोस्तों भाई 10 मिनट हो गए, चक लो। ओ भाई इतना पानी छोड़ा मटन है, इतना कितना भाई, देखो जी इतना। हाँ अब तो करना क्या, आप बिना ढक्कन रखे भाई इसे भाई पका लो करीब 5 मिनट के लिए। ठीक है भाई, करछी चलाते रहना। तो जी 5 मिनट हो गए जी, इसको पकते हुए देखो पानी खत्म हो चुका है जी। ठीक है, ऑनली ऑयल ऑयल रह चुका है, अब करना क्या है भाई, ये देख रहे हो क्या है भाई, ये 2 चम्मच भाई साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच भाई साबुत जीरा है, इसे मैंने दरदरा पीसा हुआ है। ठीक है जी भाई, डाल दो जी चप्पे चप्पे पे भाई, 1 चम्मच हल्दी यानी कि हेल्दी डाल दो जी बस। तो जी कर दो इसको मिक्स मुक्स, जो फॉर्मूला हमने चिकन पे अप्लाई किया था, पोटा कलेजी पे अप्लाई किया था कि ढक्कन रख के हमने छोड़ दिया था जीरा और हल्दी डाल के, भाई इसमें वैसा नहीं होगा। और इसमें एडिशनल भाई काली मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है ना, इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा जी, इसमें अभी हमने इसे करीब 3-4 मिनट और भूनना जी इस मसाले के साथ में। ठीक है जी, फिर बताओ क्या करना है। तो दोस्तों भाई 3-4 मिनट हो गए जिसको पकते हुए। ठीक है जी, दोबारा से अब करना क्या जी भाई, इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं भाई, कितना भाई 1.5 ग्लास, ज्यादा नहीं बस भाई। ध्यान रहे कि जो पानी है ये गर्म पानी है, ठीक है, ठंडा पानी नहीं था ये। तो कर दो उसको मिक्स मुक्स, ये पानी इसलिए डाला गया भाई जल्दी से गल जाए, है ना, कि इसकी एक उबाल का वेट कर लो। तो जी उबाल आ चुकी है, गैस का फ्लेम लो कर लो, इस पे टक्कर रख लो जी 40 मिनट के लिए, 40 मिनट्स। तो दोस्तों भाई 40 करोड़ साल नहीं, पूरे 90 करोड़ साल हो गए जी, बल्कि 90 मिनट हो गए जी। ठीक है, इसे पकते हुए भाई 40 मिनट पे आधा गला नहीं था यार। तो जी मुद्दा ये कि गला कितना है यार, हाँ फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास, करीब 95% भाई गल चुका है, अब करना किया है। तो जी देख रहे हो क्या है भाई, मेरा फेवरेट भाई मीट मसाला। ठीक है जी भाई, डालो सारे का सारा भाई, कितना है, ओनली 3 टेबल स्पून भाई, 4 कर दो। तो जी कर दो इसको मिक्स मुक्स अच्छे से। अब आपने करना किया जी, आपने अब गैस का फ्लेम हाई करना है, और आपने जो इसकी जो ग्रेवी देख रहे हो, ग्रेवी मसाला भाई, इसे आपने अब्जॉर्ब करना जी, इवेपोरेट करना जी, किसे, पानी को। तो जी इसे पकाओ, ठीक है। तो दोस्तों भाई करीब 10 मिनट से मैं इसको पका रहा हूँ जी, हाई फ्लेम पे है भाई, ये स्थिति है, क्या स्थिति है, ये स्थिति है। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हुई जी अपनी भाई रोड स्टाइल भूंजा हुआ भाई मटन भाई, देखो यार भाई, बताओ आपको भाई ये दिखने में लग कैसा रहा है भाई, खूबसूरती कितनी आपको दिख रही है इसके ऊपर भाई, वाकई में ना दिखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा भाई, कि जो मटन पे जो कलर आया हुआ जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आया हुआ है यार, सच में कह रहा हूँ यार। बाकी ये ऑयल को आप अवॉइड कर लेना भाई, महीने में एक बार खा रहे तो क्या चक्कर है यार। और भाई साथ में क्या लिया जी, साथ में लीजिए फुलके भाई, उन भाइयों के लिए जो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं भाई, तू फुलका नहीं खाता, फुलका नहीं खाता भाई, ले आया भाई फुलका भी। हाँ भाई, दिस इज कटे कटे खीरे, कटे कटे प्याज एंड दिस इज कटे कटे नींबू। अब मुद्दा ये है कि जो ये मटन का मसाला है, ये मसाला भाई, ये पहले बताओ कि दिखने में लग कैसा रहा है, ये बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही ज़बरदस्त है भाई दिखने में। अब कैमरा कितना जस्टिफाइड कर रहा है मुझे नहीं मालूम यार। तो आप इसे टेस्ट करते हैं, हम्म,
थोड़ा बनता ही चाहिए। बट टेस्ट जो है ना, टेस्ट वो ऐसा है कि काफ़ी तीखा तीखा नहीं है, हल्का तीखा तीखा है। ठीक है जी, क्यों भाई? मर्चों को भाई प्याज ने डोमिनेट कर लिया, अपना स्वीटी स्वीटीपन उन्होंने उसको भाई दे दिया भाई, मर्चों को अपना, हाँ, उनको जो उनका तीखा तीखापन है उनको दबा दिया। ठीक है, और जो फ्लेवर है इस मसाले में वो मटन का आया हुआ है, लाजमी बात है, और जो मीट मसाला हमने यूज़ किया हुआ है भाई उसका भी आया हुआ है। बाकी हल्दी और जो अपनी काली मिर्च जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ की है और जीरा, उनका इतना वो रोल कुछ दिख नहीं रहा मेरे को यार अपने ज़ुबान के ऊपर यार। बट मैं ले देके ये कहना चाहता हूँ कि जो रेसिपी हमने बनाई थी जी, यही सेम रेसिपी भाई पोटे के ऊपर, चिकन के ऊपर भाई, वो तो कहर डाल रहे थे कहर। तो मटन यार बताना चाहता हूँ भाई, मटन जो है ना उस लेवल पर नहीं आ रहा जिस लेवल पर भाई पोटा ले जी एंड भाई चिकन आया था यार। बल्कि कहानी ये है कि मटन पे ये जो रेसिपी है इतनी सूट नहीं कर रही जितनी ये पोटक ले जी एंड भाई चिकन पे हुई थी। ठीक है ना, ये स्टोरी है। तो बाकी मुद्दा ये है जो पीस है, पीस इसका पीस पहले हम पीस कर लेते हैं यार। अच्छा, बल्कि अगर मैं रैंक करूँ इसे तो भाई मैं इसे ना 7.5-8 नंबर दूंगा, बल्कि गुड में, गुड कैटेगरी में दे सकता हूँ भाई। ठीक है, एवरेज नहीं है, गुड है, थोड़ा बनता है। कैसा मक्खन जैसा उठ रहा है देखो ऐसे, अरे कहाँ भाग रहा है, अरे अब मुद्दा ये है कि जो राइफल है, ठीक है, जो सर कारतूस है भाई, वो निकलेगा नहीं निकलेगा ना इसे भाई, ऐसे करेंगे ऐसे ना यार। ओए छींटे कितने पै गए यार मेरे मुंह पे, पड़ के छींक सारी यार, शिट ना यार, कोई बात नहीं, बाकी भी ट्राई कर लेंगे यार। भाई हमने ब्रेक लेके ना भाई प्लेट मंगवा लिया यार भाई, राइफल खाने के लिए, मतलब कारतूस खाने के लिए यार, हाँ। बट इसकी गेम जो है ना वो ओवर हो चुकी है, कुछ खास नहीं है। मैं इधर से ये उठाएगा ये, वही वो तेरा तो पूरा पीस उठ गया यार। आप निकालते हैं जरा, निकलने वाला। अरे अबे ये भी ई एम आई में आ रहा है, अरे निकल गया, ये निकल गई भाई, दो ई एम आई, तीन ई एम आई, तीन ई एम आई यार, देखो बड़ा मस्त है यार, तो लोडेड है यार। है कुछ और खा लिया, अब एक पीस खाते ना हो गया भाई। धनिया अभी अवेलेबल नहीं था तो आप एक बार धनिया डाल के भी इस पर ट्राई करना, क्या पता उससे टेस्ट बेटर आए। हाँ, तो ये पीस पूछ तो गया भाई चट। अब भाई फुलका खाते हैं यार, आप भाई फुलके, अभी मेरे हाथ देखो यार, हाथों की हल्की हो गई यार, कोई चक्कर नहीं। इस पे लेते हैं ये मस्त मस्त मटन, इस पे डालते हैं ये मस्त मस्त मसाला। अब खाते हैं जिसको अपने देसी स्टाइल में। हाँ, जो मुझसे भाई बहुत नाराज है जी, फुलका नहीं खाता, गालियाँ दे दे के बुरी आदत फेर दी मेरी। हाँ, कोई चक्कर नहीं है भाई, देख लो क्या जूसी जूसी उठ के आ रही यार। हाँ देखो भाई, वो टोड़ी यार। भाई वाकई में यार फुलके के साथ तो स्वाद आ रहा है यार, नो डाउट आ रहा है। और काश ये फुलका एकदम गर्मा गर्म होता ना तो और स्वाद आता है यार। भाई अबे खीरा तो खाई ची नहीं। तो भाई फुलका भी चट हो गया, कारतूस भी चट हो गए, पीस पूस भी चट हो गए यार। तो भाई किंग के लिए तड़प रहा हूँ यार, मैं किंग को लेके आता हूँ भाई इज्जत तरीके से यार। तो लो जी, क्या किंग की एंट्री हो चुकी है आज। किंग बिल्कुल चिपका चिपका वो लग रहा है यार, देखो कोई भी 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ भी नहीं यार, आज चिपका है चिपका है भाई। तो आओ भाई, अरे निक्का जिया राइफल का पीस विद कारतूस बैठा हुआ है जी, पहले इसको यहाँ लैंड कराते हैं और फिर ये मस्त से पीस को भी यहाँ पर लैंड अलॉन्ग विद मसाला भी पड़ेगा, या पीस भी आ गया, कोई चक्कर नहीं। भाई इधर तुम बैठो, मसाले बैठ जाते चाहिए, पहले ज़रा कारतूस से निपट लूँ मैं। रिस्की है बट बताता हूँ भाई, ऐसे रिस्की रहता है, कभी कभी इसके अंदर हड्डियाँ होती हैं जो सीधे गले पे, इसलिए ध्यान से।
तो आ भाई, अबे पहली बाइट। किंतु तो खाऊ पावे इसके साथ में फुलके के साथ टक्कर बराबर है, बहुत स्वाद है। और किंग में ना मैंने क्या महसूस किया कि काली मिर्च का फ्लेवर भी इसमें मैंने मतलब कि टच किया ये है ले, अच्छा है, बहुत अच्छे, दोनों अच्छे हैं। बट मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं आप सोचोगे भैया मेरे को तक क्लिक नहीं हुआ तो आपको क्लिक नहीं होगा, बट ये ना सोचना आप, ये एक रेसिपी ऐसी रेसिपी है ना कि जो भाई अच्छी लग भी सकती है आपको, ऐसा भी है। बाकी ये रेसिपी भाई जो पार्टी पुटी है ना, जैसे पता ही है भाई है ही पार्टी के लिए ये, तो उसके लिए परफेक्ट है यार ना। हाँ कोल्ड ड्रिंक खोलो तो क्या मालूम पड़ता है भाई तीखा है मीठा है क्या है नहीं? इस रेसिपी में जो आप मीट यूज करोगे ना भाई, मटन का पीस, वो आप रान वाला पार्ट भाई वो लेना यार, वो परफेक्ट रहेगा। क्यों? हड्डियां भी रहेंगी और बोटियां भी रहेंगी, तो फ्लेवर भी आपको सही आएगा, मतलब कि गुड आएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों भाई था जी अपना रोड साइड भाई भूंजा हुआ मटन, आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा, कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।